कृष्णा, आज के सुपर हिट लाइव में आप सबका स्वागत है। और आपको बताइए, इन दिनों कराची में प्रोटेस्ट हुआ था पाकिस्तानी हिंदुओं की तरफ से। उसके बारे में ये वीडियो है, ठीक है। अख्तर हुसैन जवार ने ये की थी तकदीर, तो देखिए कैसा लगता है आपको। कमेंट कीजिए अभी के अभी, स्टार्ट नाउ। किसी का जबरदस्ती हक नहीं खाना सिखाया, मदीने की रियासत है। कानून ऐसा था कि एक यहूदी मौला अली के खिलाफ केस जीतता है, ऐसा कानून मदीने की रियासत में था। यहाँ पर कानून हमारे चंद जो शिद्दत पसंद है उन्होंने खुद अपना बनाया हुआ है। जज को अगर लगता भी है कि बच्ची नहीं जाना चाहती, वकील बोल बोल के जी के कर करके थक जाता है कि बच्ची नहीं जाना चाहती, बच्ची खुद बोलती है कि मैं अपने घर वालों के साथ जाना चाहती हूँ, लेकिन उसके बावजूद शिद्दत पसंद कोर्टों के बाहर फायरिंग करते हैं और जजेस को हरासा करते हैं। मजबूरन जजेस को उनके खिलाफ फैसला देना पड़ता है और इन बच्चियों को उन्हीं के अगवाकारों के पास, उन्हीं के सानियों के पास जबरदस्ती भेजा जाता है। रेंकल कुमारी सुप्रीम कोर्ट में जीके चिल्लाती रही कि मुझे अपने घर जाना है, लेकिन उसको अपने घर नहीं जाने दिया क्योंकि ये शिद्दत पसंद कोर्ट के बाहर हथियार लेके खड़े बैठे। ऐसे इस्लाम को हम नहीं जानते, ऐसे इस्लाम को मैं मुसलमान हूँ नहीं जानता। ये जबरदस्ती वाला इस्लाम मेरे नबी ने मुझे नहीं सिखाया, ये जबरदस्ती वाला इस्लाम मेरे सहाबा कराम ने भी मुझे नहीं सिखाया, ये जबरदस्ती वाला इस्लाम इन शिद्दत पसंदों का दिया हुआ है। मैं मुसलमान आपसे माफी मांगता हूँ कि आप पे हकूक की पामाली हमारे कुछ शिद्दत पसंदों की वजह से है। मैं आपसे माफी मांगता हूँ। बाकी इनके साथ जब जमीनों की बात आती है तो जमीनें भी हिंदू की ऐसे कब्जे करते हैं ये लोग जैसे कोई वारिस ही नहीं है, क्योंकि हिंदू को कमजोर समझा जाता है, क्योंकि हिंदू के जान माल और इज्जत के ऊपर हाथ डालना इनको बड़ा आसान लगता है, क्योंकि ये हिंदू को कमजोर समझते हैं। लेकिन ये हम सब मिलके इनको बताते चले कि जहां जबर की बात आएगी, जहां जुल्म की बात आएगी, जहां इंसानियत के हर लकीर को आप पास करने की बात करेंगे, वहां हम मजहब से बालातर होकर हिंदू मुसलमान कट्टे होकर आपके इस जुल्म को गिरा देंगे, आपके जुल्म को मिटा देंगे। चाहे आप किसी भी जमात से ताल्लुक रखते हो, चाहे आपके पीछे कितने भी लोग हो, आपके कितने भी हथियार हो, जब ये मजलूम इकट्ठे हो गए, जब ये हिंदू और मुसलमान मजलूम इकट्ठे हो गए, तो तुम जालिमों की ये जो महलात बने हुए हैं, तुम जालिमों के ये जो हराम के पैसे से महलात बने हुए हैं, इनके ऊपर चढ़ेगी, इनके ऊपर चढ़ के आपके अलग पर पांव रखकर आगे निकल जाएगी, अपने हकूक लेकर आपसे जबरदस्ती आपसे हकूक लेगी। बहुत शुक्रिया। आखिर में एक सिर्फ बात बोलूंगा कि हमें यहाँ इस वटेरे की निजाम के खिलाफ, इस जालिमाना निजाम के खिलाफ इनकलाब चाहिए। जिसको इनकलाब चाहिए वो जिंदा बात बोलेगा। एक सेकेंड, अब मैं इनकलाब बोलूंगा तो आप बोलेंगे इंशाल्लाह। आवाज आनी चाहिए, इस्लामाबाद तक आवाज जानी चाहिए, इंशाल्लाह। अरे इंशाल्लाह। फिर शिवा का जी,
जैसा कि आपको पता है कि आज पाकिस्तान द्रविड़ इत्तेहाद की तरफ से मजहब तब्दीली और बच्चियों के अगवा, नाबालिग बच्चियों के अगवा, मजहब तब्दीली के मामलात और मंदिरों प्लाटों जमीनों पर कब्जे और 13-14 नुकाती और एजेंडा पे हम यहाँ पर आए। प्रेस क्लब कराची से सिंध असेंबली तक एहतजाजी रैली निकाल कर यहाँ पहुंचे। अभी भी सिंध असेंबली के आगे हमारा एहतजाजी धरना जारी है और हम पुरमन तरीके से अपने जो आइन और कानून में जो हमारे हक हैं उसके लिए हम एहतजाज कर रहे हैं। सिंध गवर्नमेंट से भी हमारे मुतालबात के हमारे जायज मुतालबात हैं, वो आप उस पर बात करें, हमारे साथ बैठें और हमारे मुतालबात आप सुने और उनको हल करें, इसीलिए हम आए। लेकिन अफसोस की बात है कि पिछले 6 घंटे से मुसलसल एहतजाजी धरना सिंध असेंबली के आगे। आप देख सकते हैं कि ये सिंध असेंबली है जहाँ हमारी पूरी सिंध से हमारे जो नुमाइंदे हैं पूरे सिंध से सिलेक्ट होकर यहाँ इस असेंबली में आकर बैठते हैं और यही हमारी पूरी समझे सिंध की जो भी लोग हैं उनकी किस्मत का फैसला यही होता है। और यहाँ अगर लोग अपने हकूक के लिए, नाइंसाफियों के लिए दर बदर बैठे हुए हैं, लेकिन यहाँ अंदर जो बैठे इंसाफ देने वाले लोग हैं वो यहाँ से नजर ही नहीं आ रहे, वो गायब हो चुके हैं, वो हमारी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि हमने कोई भी नाजायज डिमांड नहीं की हुई, हमने सारी जायज डिमांड की हुई, लेकिन अफसोस की बात है कि सिंध गवर्नमेंट हमारी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। मगर हम भी यहाँ बैठे हुए हैं और तब तक बैठे रहेंगे जब तक हमारे जायज मुतालबात सुने नहीं जाएंगे और हल नहीं किए जाएंगे। थैंक यू।
जैसे आंसू का आपने जिक्र किया, मेरा 12-13 साल की बच्ची का, आप उसी जगह पे देखें कराची के अंदर एक बच्ची नाबालिग साबित होती है, मुस्लिम बच्ची, उसको आप वालिद के हवाले कर रहे हैं। हमारी नाबालिग बच्चियां जब नाबालिग मेडिकल में साबित हुई, वो 7-7, 8-8 महीने एक एक साल से दारुल उलूम में सड़ रही है, कोई उनकी मुलाकात नहीं है। कमेंटी है जिन्होंने पाकिस्तान बनाया है, 1945 में जब करा था पाकिस्तान जमाई कराई जा रही थी, तब मुसलमान भाइयों की आबादी 4 करोड़ थी, पाकिस्तान नहीं बन रहा था। और जिस तरह आपने फरमाया कि हिंदुज्म और ब्राह्मणिज्म हावी था, और शेड्यूल कास्ट के लोग भी इनके तंग आकर उन्होंने भी सोचा कि हमारे लिए भी कंट्री अलग हो, उन्होंने हिमायत की पाकिस्तान बनने की। और कायद आजम की कैबिनेट में पहला कानून का मिनिस्टर जोगेंद्रनाथ मंडल था, ये शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करता था। और उसके बाद में हमारे पटून यहाँ पे रहने को तरजीह दी, और आज भी उनके हड्डियां दफन है। और हम तो कहते हैं सरना सॉइल है, मार्जिनलाइज कम्युनिटी के लोग हैं, धरती के सुर रवासी हैं, कल्चर भी हमारा है, मुंजोरों के वारस है। अर्ज करूँ कि उस नदी में कहावत है, जितने बाहे भरे हुआ जाए जले, जहाँ पे आग लगती है उसी जगह को पता है कि आग कितनी गर्म है। माशाल्लाह कानून तो बहुत अच्छे बने हुए हैं, सिंध के अंदर सिंध मैरिज एक्ट भी बना हुआ है, 2000 यूसुफ के पे इम्प्लीमेंट हो जाता है। जो मिनार्टी की बच्चियां जिनको फोर्स कन्वेंशन किया जाता है, कन्वेंशन होता है, उन पे आज तक वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। आज भी आप अभी भी गूगल पे सर्च करें, ये इंटरनेशनल पे बड़ा इशू हो रहा है मिनार्टी की फोर्स कन्वेंशन बच्चियों का, 12 साल 15 साल 14 साल। अभी एक हफ्ता पहले चंदा महाराज का इशू हुआ है हैदराबाद के अंदर, नादरा के भी सर्टिफिकेट आए हैं, मेडिकल उनका भी हुआ है, अपना कोर्ट के हुक्म पर उनकी मेडिकल भी कराई गई, उसमें भी बच्ची की वो 18 साल उम्र नहीं हो रही है, उसके बावजूद भी बच्ची भेज दी गई। तो कहने का ये मकसद है कि इस तरह के मैसेज बहुत अच्छे नहीं जा रहे हैं, इन चीज़ों पे इम्प्लीमेंट भी होना चाहिए। और उनके साथ साथ रिंकल कुमारी का इशू आया, पहले सुप्रीम कोर्ट के अंदर रिंकल कुमारी चीख रही थी चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के सामने कि पेरेंट्स के साथ जाऊंगी, पर कुछ इधर के जो प्रेशर है कुछ मौली साहबान या और कुछ चीजें उनकी वजह से वो बेचारी रह गई। आज भी कोई खुल के बात करता है तो उनपे 50 चीजों का एलिगेशन लग जाता है, तो ये बड़ा इशू है। हम कहते हैं इस पर भी आप थोड़ा खुल के बात करें, प्रेशर ग्रुप है उतने हावी हैं, लोग खुल के बात नहीं कर सकते। अभी मैं आपकी रिसेंट बताऊं कि अभी अपर क्लास के अंदर लोगों ने 2600 खानदानों ने पासपोर्ट जमा करा लिए, 10,000 पासपोर्ट है, हो सकता है माइग्रेट कर रहे हैं इसी इशू के वजह। ये हमारे इंटरनेशनल मैसेज भी हमारे अच्छा नहीं जा रहा है, कंट्री लेवल पे है, इंटरनेशनल दुनिया लेवल पे। तो अपना शादी के बजाय हमारे में राखी बांधने की बहन भाई की भी रस्म होती है, भला किसी को मतवजा करके अपने मजहब के प्रचार भी उनको तैली भी दी जाए, उनको राखी बंध के भी बंधा की बहन भी करके उनको कन्वर्ट किया जा सकता है। दूसरे हमारे बच्चे क्यों नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल। और सिर्फ बच्चियां क्यों, और हमारी श्री माताएं वगैरह की 40 साल की खवातीन क्यों नहीं आ रही सिर्फ 12-14-15 साल के अंदर? और दूसरी बात आती है कि वो बच्चियां लाइफ पूरी अपने पेरेंट्स से नहीं मिल सकती है, मैं आपको रियल बताता हूँ। उसके बाद बच्चियों का हक मर नहीं होता है, मेरे ख्याल में वो बच्चियां कहीं फरोख्त होती है किसी किसी जगहों पे, कहीं और कंट्री में चली जाती है, आज तक वो बच्चियां वापस पेरेंट्स के पास नहीं आई है, इसी वजह से लोग माइग्रेट कर रहे हैं। ये बड़ा अहम इशू आपकी बड़ी जबरदस्त बात है। मैं रीना और रवीना केस में जब उन बच्चियों ने ये स्टेटमेंट दे दिया ना कि वी वांट टू गो विद हस्बैंड, तो जैसे ही हम बाहर निकले तो उस फैमिली ने फौरन मुझे कहा, विच वॉज वेरी इमोशनल सीन फॉर मी, उन्होंने कहा कि अब हम इनको मिल नहीं सकेंगे। और फिर उन्होंने हमें कहा कि हम ये रिलीफ ले दें किसी तरीके के कि हमारा इनके साथ एक मुलाकात का जो डेक वो कोई तय हो जाए।